गुड आफ्टरनून एवरीवन, नमस्ते, मेरा नमस्ते आप सबको। और अभी क्योंकि लोग ज्वाइन कर रहे हैं, सो इन द मीन टाइम जो जितने भी एग्जिस्टिंग लोग हैं, अभी हम ठीक 1:10 पे डिस्कशन चालू करेंगे, क्योंकि लोग आके लोग 10-15 मिनट लगाते हैं ज्वाइन करने में। इन द मीन टाइम आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है एक्सप्रेस क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, प्लीज आप उसको लिख लीजिए, और उसको जब मैं बोलूंगी तब आप वन बाय वन आप चैट पे देना चालू करना, हम लोग उसको डिस्कस करना चालू करेंगे। और उसके साथ ही साथ जो भी जिसकी क्लैरिटी है, और मैं फिर क्रॉस चेक भी करूंगी, तो ताकि पता चल जाएगा कि कहाँ पे अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन आ रही है तो उसको हम उनको वो क्लियर हो जाए, क्योंकि इतना सा भी जब भी हम इस मार्केटिंग प्लान करते हैं तो इतना सा भी डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक डाउट कंफ्यूजन में अगर एक भी कदम उठाते हैं तो उससे पता लगा आपने तो कुछ समझ के किसी बंदे ने आप पे प्रेस करा और आपने उस बंदे को चीजें डिलीवर करके कुछ करा, लेकिन एग्जैक्टली जो क्योंकि कंफ्यूजन में वो काम हुआ था, तो जो चीज आप सोच रहे थे वो चीज हुई नहीं, तो उससे क्या होता है कि उससे आपका पर्सनल हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जिस बंदे ने आपसे जो किसी एक्सपेक्टेशन के साथ वो चीज करी थी, वो चीज रिक्वायरमेंट थी, वो सोच के जो चीज उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट डाला था वो चीज नहीं मिलती है, तो फिर आपका ट्रस्ट लेवल खराब होता है और कंपनी का भी ट्रस्ट लेवल खराब होता है, क्योंकि आप जब किसी भी कंपनी किसी भी बंदे से बात कर रहे हैं इस कंपनी से रिलेटेड, तो उस वक्त आप इस कंपनी का चेहरा होते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी नॉलेज को एनहेंस करें, अपनी नॉलेज को पूरा अपडेटेड रखें, और इतनी सी भी कंफ्यूजन हो इसको एक बार क्या 10 बार आप उसको क्रॉस चेक जरूर करें। सो जितने भी लोग हैं, इसीलिए हम लोगों ने इस चीज को ऐसे ही रखा, प्लान करा है कि एक दिन अगर हम कोई प्लान बता रहे हैं तो नेक्स्ट डे उससे रिलेटेड क्वेरीज होती है, क्योंकि सेम डे क्या होता है कि 1 घंटे का या 1.5 घंटे का सेशन होता है, तो अगर आपकी पास क्वेरीज होती भी है तभी आपका पूछने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आप एक समय तक ही आप मीटिंग्स में रह सकते हैं, तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट डे हम क्वेश्चन एंड आंसर राउंड को हम कवर अप करें, ताकि जो लास्ट डे आप लोगों ने जो भी चीजें थी और जो दिमाग में थी आप नेक्स्ट डे उसको पूछ सकें। सो ये हमारा एक पूरा फॉर्मेट है। सो इन द मीन टाइम आप लोग प्लीज अपने क्वेश्चंस लिखें, और मैं 1:10 पे हम वापस से अपना कॉन्वर्सेशन चालू करेंगे। सो प्लीज फोकस करें, और मैं जब डिस्कशन करूंगी तो मार्केटिंग प्लान वापस से इसको यहाँ पे शेयर करूंगी। और एक चीज और कि मेरे को कुछ लोगों ने कल डिमांड करी थी पीपीटी की, तो मैं उसको भी कोशिश करूंगी शेयर करने के लिए। थैंक यू। प्लीज आप लोग अपना सवाल लिखना चालू करें अपने पास, और जब मैं बोलूंगी तब लिखिएगा चैट पे, क्योंकि चैट पे अचानक से इतना सारा अभी से ही आ जाएगा तो वन वो बहुत फिर प्रॉब्लम हो जाती है, तो प्लीज आप लोग लिखिए। थैंक यू। Thank you.
वेलकम बैक। सो अब मैं आप लोगों से बोलती हूँ, मैं सबसे पहले जो है स्क्रीन शेयर कर रही हूँ प्रेजेंटेशन वाली जो कल हमने करी थी एक्सप्रेस क्वालिफिकेशन, और मैं आपके सामने ये स्क्रीन रन करूँगी। और आज अगर कोई भी अगर आज न्यू मेंबर है यहाँ पे, तो न्यू मेंबर्स को मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम भावना गुप्ता, मैं मेरा इस वक्त स्टेटस है कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट। मैं एक प्राइवेट इन्वेस्टर हूँ, को ओनर हूँ ऑफ न्यू। मास्टर ट्रॉफी लेवल 1 एंड लेवल 2 क्वालिफायर हूँ, इंटरनेशनल स्पीकर हूँ, ऑनलाइन मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हूँ, और साथ ही साथ मैराथन MLCI 260 की इंडिया की कोऑर्डिनेटर हूँ। सो ये है मेरा इंट्रोडक्शन। और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं कंप्लायंस एंड डिस्क्लेमर आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगी। हम लोग जो जिस कंपनी में इस वक्त हम लोग हैं, ये एक रजिस्टर्ड एडवाइजर या ब्रोकर कंपनी नहीं है। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज इन न्यूज लेटर अलर्ट्स एंड लाइव सेशंस इज इंस्टेड एंड एजुकेशन पर्पस ओनली। जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको न्यूज लेटर अलर्ट्स या लाइव सेशन जैसे कि इस तरीके की है, ये केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी जाती है, आप लोगों को रिकमेंडेड है कि आप लोग कोई भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनसे क्रॉस चेक जरूर करें, उनसे एक बारी उनकी ओपिनियन जरूर लें। बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड मार्केटिंग वेंचर्स जो भी होते हैं, बट सभी को पता है कि सब में अपने एक अपने तरीके का रिस्क होता है। कोई भी चीज़ में गारंटी नहीं होती, देर इज नो वर्ड लाइक गारंटी। ठीक है, हर किसी का अपना एक रिस्क होता है, लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क होता है। कितना रिस्की है, कितना क्या है, ये हमें जब हम इस कंपनी के बारे में रिसर्च करेंगे और क्या पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास अर्निंग की, वो हमें देखनी पड़ती है। और इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स को भी क्रॉस चेक कर सकते हैं और उनसे आप ओपिनियन ले सकते हैं। और जो भी यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि आप लोग पहले आइए, इस कंपनी को समझिए, इसको रिसर्च करिए, इसको देखिए, क्योंकि जो भी यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस होता है उसके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। जो भी फिगर्स यहाँ पे प्रेजेंटेशंस में दी जाती हैं, केवल इलस्ट्रेशंस के लिए दी जाती हैं, उसको एज अ गारंटी मत समझिएगा। हम कोई भी कंपनी एज अ कंपनी कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देते हैं जब तक कि हमारे पास प्रॉपर लाइसेंस नहीं होता। तो बेसिकली आप कोई भी किसी को फाइनेंशियल या एज अ एजुकेशन पर्पज से शेयर कर सकते हैं, लेकिन कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे सकते हैं। वो आप एक प्रॉपर जो प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उन्हीं से ही आप एडवाइजर्स ले सकते हैं। ओनली जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जाती हैं। और फिर से आप लोगों से कंपनी रिक्वेस्ट करती है कि जो भी आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेते हैं, प्लीज़ अपना ड्यू डिलीजेंस करें, अपना खुद का रिसर्च करें, क्रॉस चेक करें, और आफ्टर उसके प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ जानने के बाद ही इस सिस्टम में एंटर करें। सो ये एक था कंप्लायंस एंड डिस्क्लेमर। एक्सप्रेस क्वालिफिकेशन के बारे में आपको लोगों को सब पता ही था। अब ये सारे ये PPTs हैं। सो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी आपके सवाल इससे रिलेटेड। अच्छा, एक चीज और, इस सवाल वाले ऑप्शंस में जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि जैसे कि आपको पता है कि कंपनी ने 50% एडिशनल CRU का जो कंपनी की एनिवर्सरी एज एनिवर्सरी गिफ्ट का एक उन्होंने प्रमोशन चलाया हुआ है, आज उसका आखिरी दिन है टुडे। तो आज रात के 2:30 बजे जो है, क्योंकि मॉस्को हमसे 2.5 घंटे पीछे है, तो रात के 2:30 बजे से पहले पहले अगर कोई भी पैकेजेस परचेज होते हैं तो आप लोगों को 50% एक्स्ट्रा CRU मिलेगा, जैसा कि कंपनी का ऑफर है। तो उसकी डेट आज लास्ट डेट है। और जो भी एड ऑन, जो भी 50% एडिशनल जो CRUs हैं, वो आपको भी हैंड टू हैंड क्रेडिट्स नहीं, उसके क्रेडिट नहीं आएंगे। आपको जो क्रेडिट आएगा वो आएगा 15 से 20 तारीख के बीच में। सो अगर कोई भी अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं किसी की EMI पे करनी, EMI का इंस्टॉलमेंट भी पे करते हैं, और उसमें भी आपको 50% एड ऑन आएगा। सो अगर आप लोग कहीं पर भी प्लान कर रहे हैं, आपकी टीम में प्लान कर रहे हैं, तो इसको जरूर आप लोग आज ही प्लान कर लें, क्योंकि आज के बाद ये जो ऑफर है वो ओवर हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज करें। चलिए एक बारी मैं टेस्टिंग कर लेती हूँ। प्लीज सभी लोग एक बारी मुझे चैट पे लिख के बताएं कि क्या मेरा वॉल्यूम सही आ रहा है। एक सेकंड। ओके, प्लीज इंक्रीज वॉल्यूम। यस यस यस। देखिए जिनको क्या मेरी वॉइस एकदम क्रिस्टल क्लियर आ रही है, अगर किसी एक को भी क्रिस्टल क्लियर आ रही है, मतलब सबको आनी चाहिए।
और जिनको नहीं आ रही है तो आप लोग अपने डिवाइस चेक करें, अगर अगर मेरी आवाज लो आ रही होगी तो सभी को लो आ रही होगी, क्लियर है? ओके, तो इसका मतलब जिनको आवाज हल्की आ रही है प्लीज आप लोग अपने एंड से वॉल्यूम चेक करें, क्योंकि मेरे एंड से वॉल्यूम एकदम क्लियर है। ओके 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 फाइन। सो अब जो है सी आर यू परचेज के बाद मैं चैट पे जो आपने क्वेश्चंस पूछे हैं इससे रिलेटेड, प्लीज आपका जो क्वेश्चंस होना चाहिए जो हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होना चाहिए, एक्सप्रेस क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, अगर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ समझना है, कोई क्वेश्चन है, सो प्लीज आप मुझे यहाँ पे मेंशन करें, उससे इस कॉन्टेक्स्ट से बाहर मत जाइए, क्योंकि हम लोग उसके लिए एक जनरल क्वेश्चन आंसर्स भी लेकर आएंगे जो भी हाल ही में दो तीन दिन के अंदर हम करेंगे, तो उसमें आप हर तरीके के सवाल पूछ सकते हैं। सी आर यू परचेज के बाद इसका कंट्रोल किसके पास रहेगा और सेल का टाइम और तरीका क्या होगा? विक्रम तिवारी जी, सी आर यू परचेज के बाद कंट्रोल आपके पास ही रहेगा, बट ऑब्वियस है वो आपके 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 पास अपनी आईडी है, आप उसके को ओनर हो, आपने को ओनरशिप ली हुई है और इसका कंट्रोल आपके पास ही रहने वाला है, नंबर वन। नंबर टू, जब इसको फिलहाल यहाँ पे हम लोग इंटरनल एक्सचेंज में हैं, और मैं आपको बता दूँ इंटरनल एक्सचेंज से, हालांकि यहाँ का सब्जेक्ट नहीं है लेकिन तभी मैं बता रही हूँ, इंटरनल एक्सचेंज में हम कोई भी सेल या बाय नहीं कर रहे हैं, वो रॉन्ग टर्म है, हम लोग यहाँ पे केवल एक्सचेंज कर रहे हैं। प्लीज इस वर्ड को आप लोग अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, इंटरनल एक्सचेंज में हम लोग केवल एक्सचेंज करते हैं, यूनिट के बदले सी आर यू या सी आर यू के बदले यूनिट, अनब्लॉक जो सी आर यूज हैं उसके बदले यूनिट्स को का इंटरचेंज होता है, तो इसको हम एक्सचेंज कर रहे हैं, यहाँ पे कोई सेलिंग या बाइंग नहीं हो रही है। जो सेलिंग और बाइंग का जो जो ऑप्शन आएगा वो जब हम लोग ऑलमोस्ट इस ईयर एंड तक मे बी जुलाई के बाद, देखिए जब भी कंपनी एक्सटर्नल एक्सचेंज पे जाएगी तब हम ये टर्म यूज करेंगे बाइंग एंड सेलिंग का, क्योंकि तब ये वैलिड होगा, अभी हम लोग इंटरनल एक्सचेंज में है तो फिलहाल हम केवल यूनिट्स के बदले जो सी आर यू है उसको एक्सचेंज कर रहे हैं। सो प्लीज राइट टर्म खुद भी यूज करिए, और जब आप सही बोलेंगे तो आपकी टीम वाले भी सही बोलेंगे, क्योंकि टर्मिनोलॉजी बहुत कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लीगली राइट टर्म्स इस्तेमाल करें। सो ये हमारी एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो जैसे कि मैंने बोला, जो आपको अगर सी आर यू एक्सचेंज का क्या तरीका होगा, तो सी आर यू एक्सचेंज के लिए विक्रम तिवारी जी, आपने अगर चैनल का लिंक, हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक है उसको सब्सक्राइब करा होगा, तो स्पेशली हमारा एक सेशन हुआ था सी आर यू इंटरनल एक्सचेंज पे, जिसमें अतुल जी ने वो सेशन लिया था और उसमें लाइव डेमो करके दिखाया था कि इस चीज को, उस प्रोसेस को हम कैसे कर सकते हैं। तो आप उस हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, और अगर आपको यूट्यूब चैनल नहीं है तो एंड में अभी हम चैनल का लिंक यहाँ पे देंगे, आप वहाँ पे जाके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पे वीडियोस पे जाके सेशंस पे देख सकते हैं, सब्जेक्ट में लिखा होगा सी आर यू इंटरनल एक्सचेंज, उस वीडियो को विजिट करिए, आपको वहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जरूरी नहीं आप पूरा वीडियो सुने, जहां पे केवल एक्सचेंज की बात है उसको फॉरवर्ड करके केवल अपने मतलब की चीज सुन सकते हैं। कैन यू टेलिंग सी आर यू प्राइस 10 to 40 इन अक्टूबर? अच्छा, वीके गुर्जर जी आप ये पूछ रहे हैं कि जो समरी मीटिंग में ये जो डिस्कशन हुआ था कि जो जो ऑन्ड्रे सर ने बोला कि हम इस दिसंबर तक 10 to 40 जो यूनिट्स एक सी आर यू का वैल्यू हो सकता है हम कैसे लेके जाएंगे। सो मैं कोशिश करूंगी अगर इसके एंड तक अगर वो सेशन को कवर अप कर पाई, क्योंकि उसमें मेरा भी कुछ होमवर्क बाकी है, लेकिन स्टिल आई विल मैं आपको कुछ आइडिया देने की कोशिश करूंगी सेशन के एंड में। डॉक्टर रविशंकर जी बोल रहे हैं प्लीज इंक्रीज द वॉल्यूम, इट्स ऑडिबल बट लो। डॉक्टर रविशंकर जी और लोग तो मेरे को बोल रहे हैं कि प्रॉपर आ रही है वॉइस, आप एक बार अपने एंड से चेक कर लीजिए। और क्रिस्टल क्लियर एक्सचेंज ओनली, ओके, हाँ जी शोएब जी ने यही बोला कि एक्सचेंज कर सकते हैं, अभी कहाँ हम यहाँ पे कोई सेल या बाय नहीं हो रहा है। डिसीडेंट कब तक आएगा? देखिए मैं फिर से बता दूं आपको, जैसा कि हमारे सिस्टम, मैं फिर से रिमाइंड कर देती हूँ, हम लोग को यहाँ पे अब थोड़ी सी आदत डालनी पड़ेगी, अब हम लोग जूम वेबिनार्स में आ रहे हैं तो प्रोफेशनली अपने आप को प्रेजेंट होने का की आदत डालनी पड़ेगी। रूल नंबर वन, आप कोई भी अपने मोबाइल के नेम से नहीं आएगा कि जो वीवो Y51 आ रहा है या फिर वन प्लस आता है एंड सो ऑन, आप लोग प्लीज अपने रियल नेम से आइए। जो लोग रियल नेम से आएंगे हम उन्हीं को ही जवाब देंगे, जो लोग रियल नेम से नहीं आएंगे हम सॉरी आपके जवाब नहीं ले सकते। रेडमी जी, वीवो, प्लीज आप लोग अपने रियल नेम बताइए, हम नहीं जानते रेडमी कौन है, हमें रियल नेम जानना है। एंड सेकेंडली,
जब भी आप लोग वीडियोस ऑन करें तो प्रेजेंटेबल तरीके से रहें, नहीं तो अपने वीडियोस को ऑफ करें। ये दो रूल है, प्लीज सबको फॉलो करना है। सो प्लीज आपके और क्वेश्चंस पूछिए, और क्वेश्चंस आए नहीं मेरे पास, आपके क्वेश्चंस एक्सप्रेस क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। ओके, तो मैं एक काम करती हूँ, आपने किसी ने जो है आपका हैंड रेस करा है, एक सेकेंड, देखिए वीवो Y51 एंड रेडमी, मैं आप दोनों को मैं आपका आपने हैंड रेस करा है, लेकिन पहले आप लोग अपने रियल नेम पे आइए, आप लोग पार्टिसिपेंट लिस्ट पे जाइए और वहां पे अपने नेम, आपका नाम सबसे ऊपर आ रहा होगा, उसमें रीनेम करिए अपने आप को, और रीनेम करने के बाद वहां पे अपना नेम को आप रियल नेम लिख सकते हैं। प्लीज ये करिए, तभी मैं आपके सवाल लूंगी, ये एक बेसिक रूल है। प्लीज अन्य किसी का भी सवाल है प्लीज आप आपका हैंड रेस करिए, किसी का भी कोई सवाल है आप अपना हैंड रेस करिए, मैं आपको अनम्यूट करूंगी, आप अपना सवाल बोलेंगे। प्लीज रेज योर हैंड। ओके, ये है शहयार अहमद जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। शायर जी गुड आफ्टरनून, प्लीज आपका सवाल पूछिए मुझे एक्सप्रेस बोनस क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। हाँ मैम, जैसे मुझे ये जानना था कि ये जो इसमें जो ऑफर चल रहा है ये जी 50% एक्स्ट्रा वाला, जी जी, तो मैम जैसे इसके बारे में पूरी डिटेल नॉलेज नहीं हो पा रही है, कैसे इसको परचेस करना है? नहीं, परचेज इज वेरी सिंपल, जैसे आप अपने EIP परचेज करते हैं, सिंपल कोई भी पैकेज आप परचेज करते हैं CRU का, तो आप आप मेरे ख्याल से आप कब से ज्वाइन हैं इस कंपनी में? अभी मैम लास्ट मंथ में ज्वाइन किया, अभी लास्ट मंथ में, फरवरी में। हाँ, तो आप कोई भी पैकेज परचेज करेंगे, अगर आपको कोई इंस्टॉलमेंट में अगर कोई चल रहा है तो आप उसकी इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, या फिर आप कोई भी नया पैकेज परचेस करेंगे आज की डेट में, आज रात इंडियन टाइम अनुसार रात को 2:30 बजे तक, क्योंकि मॉस्को हमसे 2.5 घंटा पीछे है, तो उनका जब हमारा 2:30 बजेगा तब उनका 12 बजेगा, तो उससे पहले अगर आप कोई भी परचेस करते हैं आज की डेट में, तो सपोज करिए आपने 1000 यूनिट्स का आपने पैकेज परचेस करा, उसमें आपको 14,300 जो है वो यूनिट्स मिलते हैं, वैल्यू यूनिट्स मिलते हैं, तो आपको 50% का बेनिफिट मिलेगा, मतलब 15 से 20 अप्रैल के बीच में आपको उसका जस्ट हाफ, दैट इज 7,150 CRU पॉइंट्स आपको एडिशनल मिलेगा। बहुत बढ़िया ऑफर है इस वक्त जो चल रहा है, तो कोई भी पैकेज आप परचेज करेंगे, ऐसा नहीं कि कोई 50% के लिए कोई स्पेशल पैकेज है, कोई भी पैकेज परचेज करेंगे आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो आपके सवाल का मैंने जवाब दिया। यस मैम। ओके, और कोई सवाल आपका? एक्सप्रेस क्वालिफिकेशन आपको क्लियरली समझ में आ गया? कल आप थे, कल के सेशन में आप थे शैया जी, कल के सेशन में आप थे शैया जी, कल के सेशन में आप थे? यस मैम। हाँ, तो आपने, आपको एक्सप्रेस क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन, कोई क्लैरिटी, कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है मैम, अभी तो क्लियर हो गया, फिर देखते हैं क्वेश्चन आएगा तो फिर बताते हैं। थैंक्स अ लॉट शैया। सो नेक्स्ट है ये लाजपत अस्थाना जी। लाजपत अस्थाना जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, और उससे पहले मेरे को एक वीवो Y51 जो है, प्लीज आप अपने आपको रीनेम करके आइए, हैंड रेस करिए, तभी मैं आपको अनम्यूट करूंगी। और कोई एक और है जो एक लंबा चौड़ा सा अल्फा न्यूमेरिक नंबर लिखा हुआ है, तो प्लीज मैं आपको भी नहीं करूंगी, आपका सवाल नहीं लूंगी जब तक आप अपने आपको रीनेम नहीं करेंगे। अपना रियल नेम बताइए, ओप्पो A9 2020, प्लीज आप भी अपना रियल नेम बताइए। मैं इन द मीन टाइम लाजपत जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। इसके बारे में थोड़ा नॉलेज है, एक्चुअली मिस्टर धन सिंह जी ने मुझे बताया था। लाजपत जी, और यस यस, हाँ जी, yes. कैसे, अब आप अपना सवाल पूछे, जो कि अब मुझे आपकी आवाज आ रही पहले नहीं। एक्चुअली मैं उसके बारे में पूरा नॉलेज चाहिए मुझे, अभी मुझे कुछ नॉलेज नहीं है। एक्चुअली धनसाई जी ने मुझे काफी टाइम, कई साल पहले मुझे बताया था इस प्रोडक्ट के बारे में, बट मैंने इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, और मेरा बिटकॉइन में काफी हैवी लॉस है, करीब अच्छा खासी लॉस पे बैठा हूँ मैं आज। अगर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी? देखिए, ये एक सब्जेक्ट है कि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन, मार्केटिंग प्लान का नॉलेज होना चाहिए,
सबसे पहले देखिए आपको क्या इम्पोर्टेंट है कि सबके लिए, जैसे कि मैंने डिस्क्लेमर जब मैं रीड कर रही थी मैंने आपसे क्या बोला था, आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस होगा नहीं होगा इसके लिए आपको स्वयं रिसर्च करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जितने भी हम लोग सेशंस दे रहे हैं उसमें आना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। सबसे दिस इज माय फर्स्ट सेशन, दिस इज माय फर्स्ट सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है राजपत जी। जैसे कि आप आज की डेट में आप क्या करते हैं, आप जॉब करते हैं या आप कोई बिजनेसमैन है? नहीं एक्चुअली मैं अपना रियल एस्टेट का बिजनेस है हमारा। तो बिजनेस है ना, आपके घर वालों को ये पता है कि आज की डेट में आप जो है लाजपत जी जो है उनका रियल एस्टेट का बिजनेस है, और उनके घर में जो इनकम आती है आपके रियल एस्टेट से, जो आप जो वर्क करते हैं उससे जो भी आप इनकम लाते हैं वो इनकम घर में आती है, तो उनको पता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है। जी जी, आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस कंपनी में जा रहे हैं वो पैसा आपको आने वाले वक्त में जो बोल रही कि हम बोनस प्रॉफिट देंगे या जो लॉयल्टी बोनस दे रहे हैं या आने वाले वक्त में ये होगा वो होगा, वो पैसा लाएगी कहाँ से देने के लिए? जब कंपनी कमाएगी तभी तो हमारे पास आएगा, कंपनी नहीं कमाएगी तो हम कहाँ से, हमें कैसे देगी? तो आपको जानना जरूरी कि हमारी कंपनी कैसे कमाएगी, कंपनी कर क्या रही है, सीआरयू है क्या, ग्लोबल पोर्टफोलियो है क्या, कैसे प्रोजेक्ट्स में हम जा रहे हैं, ये पैसा कहाँ जा रहा right, है आजकल। आज तक आपने किसी भी जितनी भी आपने कह लो कोई भी आईसीओ पकड़ लो पुरानी, आज तक आईसीओ के नाम पे जिसने भी किसी में भी पैसा डाला है तो आज तक किसी के भी कंपनी के मालिक ने आज तक ये नहीं बताया है कि वो पैसा जो उन्होंने लिया है वो कहाँ पे डाला है। पैसा लिया है किसी ने आज तक नहीं बताया कि हमारी कंपनी, नहीं 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 राइट, उन्होंने बताया कि हमारा पैसा जो लिया है वो कहाँ पे डाल रहा है, उसका वो क्या कर रहे हैं, क्लैरिटी है। लाजपत जी बहुत ही जल्द आपको एक और सेशन जो है बहुत ही जल्द अटेंड करने वाले हैं जिसमें सीआरओ का मिशन एंड विजन क्लियर करेंगे, बहुत ही जल्दी एक दो दिन में हम करने वाले हैं। आप जो हमारी रेगुलर जो जूम कॉल मीटिंग इसीलिए हो रही है कि आप रेगुलर अपडेट्स लेते रहिए, और दिन में एक घंटा हम लोग ने इसलिए एक से दो का टाइम निकाला है क्योंकि लोग रामायण महाभारत भी देखते हैं, वो भी देखना इम्पोर्टेंट है, तो एक बजे खत्म होता है तो एक से दो के बीच में हम कोशिश करते हैं कि कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर अप करें और आप लोग जो हमसे बन सके वो नॉलेज आप लोगों को एजुकेशन पहुँचा सके ताकि आप लोग को क्लैरिटी आए। तो बाकी जो आपने आपके आपका जो सवाल है कि मैं इसमें आगे बढ़ूं नहीं बढ़ूं, उसके लिए वेट करिए, एक दो दिन में हमारे सेशन आएंगे अतुल जी के जिसमें वो सीआरयू का मिशन एंड विजन डिस्कस करेंगे, उसमें आपको पूरी क्लैरिटी। और इन द मीन टाइम अभी थोड़ी देर में हम आपको हमारे चैट बॉक्स में हमारा यूट्यूब पे जो लिंक है उसका चैनल का लिंक छोड़ेंगे, आप उस पर जाइए अपने आपको सब्सक्राइब करिए, और उसमें ऑलरेडी बहुत सारे अतुल जी के वीडियोज हैं जिसमें हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कशन करी हुई है, आप चाहें तो उनको इन द मीन टाइम सुन सकते हैं टाइम निकाल के। ओके ठीक है, सो लाजपत जी आपका क्योंकि आप नए हैं तो आपका क्वालिफिकेशन से रिलेटेड फिलहाल कोई सवाल नहीं होगा क्योंकि अभी आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अभी आप चीजों को समझ रहे हैं। नहीं काफी टाइम से जानता हूँ उसको, ऐसा नहीं बहुत टाइम से जानता हूँ, बट मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया जब ये जो है कुछ पैसे का हुआ करता था तब से मैं जानता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड, तो आज आप समझ रहे होंगे कि आप तो बहुत अच्छा एग्जांपल है कि आपने उस वक्त आपने अब आप सोचते होंगे कि काश मैंने उस वक्त ले लिया होता तो कितना अच्छा था, आज इसकी वैल्यू कितनी बढ़ गई है। राइट राइट राइट, है ना। सो देखिए अभी जितने भी लोग हैं प्लीज अभी देखते देखिए आपके चैट बॉक्स पे यूट्यूब चैनल का लिंक है उसको क्लिक करके और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसमें आप जाके उस चैनल पे जाके काफी रिकॉर्डेड वीडियोस पड़ी हैं आप देख सकते हैं। okay. जिन सभी के लिए है, जिन लोगों को बेनिफिट चाहिए, कोई पोर्शन छूट गया हो, कोई सेशन नहीं ले पाए, उसमें स्पेसिफिक टॉपिक्स भी लिखे हुए हैं, तो आपके जो आप जो भी आप जानकारी लेना चाहते हैं उस टॉपिक के अनुसार आप उस वीडियो पे जाके सुन सकते हैं। सो आई ठीक है लाजपत जी, ओके थैंक यू थैंक यू। हाँ जी ब्रजभूषण जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। ब्रजभूषण भारती जी, ब्रजभूषण जी गुड आफ्टरनून, आपका सवाल बताओ। आप वापस से एक सेकंड, ब्रजभूषण भारती जी मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट कर रही हूँ, आप एक बार अपनी तरफ से अपने आप को अनम्यूट करिए, मैं यहाँ से कर रही हूँ, हो नहीं पा रहा है, आप अपने एंड से करिए अनम्यूट। ब्रजभूषण भारती जी आप अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज। ब्रजभूषण भारती जी आप अपने आप को अनम्यूट करिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आपको कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, मेरे एंड से आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं, आप अपने आप को अनम्यूट करने की कोशिश करिए।
और अगर नहीं हो पा रहा है तो प्लीज आपको सवाल चैट बॉक्स पे लिखिए। और लोग प्लीज आपका हैंड रेस करें और अपने रियल नेम से करें, जिनका नेम यहाँ पे केवल नेम यहाँ पे केवल तो हम नहीं करें। हाँ जी प्रिंसिपल जी बताइए। आप हमें आपकी आवाज आ रही है, आपका सवाल बोलिए प्लीज। प्रिंसिपल जी आपका सवाल बोलिए, अब आप अनम्यूट हो गए हैं। क्या आपको कोई सवाल है? आप मेरे ख्याल से आपको कुछ क्यों आ रहा है, आप अपना जी आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है आपकी एंड से उसको सॉल्व करिए। डॉक्टर रविशंकर जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून। हैप्पी मॉर्निंग एवरीबॉडी। हैप्पी मॉर्निंग। हाँ जी हाँ जी, मॉर्निंग सर, मॉर्निंग सर, बताइए सर। मैडम हम अभी ये एक्सप्रेस क्वालिफिकेशन को ज्वाइन होते हैं तो कल ज्वाइन होते हैं समझो जी, कल हमारा पर्सनल 200 यूनिट्स हम परचेज करते हैं तो ठीक है, टाइम किस दिन से चालू होता है? देखिए क्योंकि मेरे ख्याल से आप जो है 30 मार्च से पहले के ज्वाइंड है, 30th मार्च 2020 से पहले ऐसे है ना, तो हम सबका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 30 मार्च से चालू होता है, तो 30 मार्च से 25 डेज का टाइम है आपके पास कि आप वापस से अपना फ्रेश 200 डालें किसी भी फॉर्म में, और साथ में आपके नीचे 5 पार्टनर्स होने चाहिए आपके फ्रंट में विद 200 ईच, 200 ईच। तो जब आप इस एडमिशन को क्वालिफाई करते हैं 30th मार्च से ही चालू होता है जी, हम सबका जो है 30th मार्च से ही है, और आपके आज के बाद आज की डेट में आप किसी फ्रेश बंदे को लेकर आते हैं, आपका कोई प्रोस्पेक्ट है उनको आज की डेट में, आज की डेट में अगर वो रजिस्टर करने करते हैं अपने आप को, तो उनका रजिस्ट्रेशन का डेट उनके पास उनका टाइम आज से शुरू होता है। अगर आज 15 अप्रैल को किसी ने रजिस्टर करा है तो 15 अप्रैल से उनका टाइम शुरू होता है फॉर 25 डेज एजेंट के लिए एंड फॉर कंसल्टेंट के लिए एंड सो ऑन, लेकिन उनको स्टेप बाय स्टेप जो भी डेज है उसमें उनको वो अचीव करना पड़ेगा। ओके 200 यूनिट्स फ्री जो लिए थे ना पहले जी, वो लोग अभी इस कॉन्टेस्ट में आने तो कैसा होता है? देखिए जिन लोगों जो जनवरी में जिनको 200 एज अ गिफ्ट मिला था उनकी बात कर रहे हैं, मिला था क्या? हाँ, उन सब का भी जो टाइम है वो 30 मार्च से चालू हो गया है, तो 30 मार्च से अब आप वो क्या करेंगे, वो अगर उन्होंने 200 का जो गिफ्ट वाला आपने आईडी लगाया था वो लोग अगर अपने आप को 200 से अपग्रेड करते हैं इस 24 अप्रैल से पहले उनको भी वही 25 डेज उस दिन से चालू होता है? नहीं नहीं, हाँ 30 तारीख से उनका भी चालू होता है क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन जो है 30 मार्च से पहले का है। 30 मार्च से पहले हो गया। हाँ। जितने लोगों ने 29th मार्च 2020 तक अपने आप को रजिस्टर करा है, पेड करा, कुछ भी करा है, उन सबका टाइम जो है 30 मार्च से चालू होता है, और 30 मार्च के बाद से जो भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन हम लगाते हैं, नए रजिस्ट्रेशन लगाते हैं, उनका जिस डेट में रजिस्ट्रेशन होगा उस डेट से उनका टाइम शुरू होता है फॉर एक्सप्रेस क्वालिफिकेशन। सर मैंने आपके सवाल का जवाब दिया, थैंक यू। ओके थैंक्स अ लॉट। ओके एनीथिंग एल्स सर? नो सर, नो मैम, थैंक्स अ लॉट सर। हां जी ब्रजभूषण जी मैं वापस से आपको एक बार अनम्यूट कर रही हूं। हां जी अभी आप अनम्यूट हो गए हैं, आपका सवाल पूछिए ब्रजभूषण जी। ब्रजभूषण जी आपका सवाल, आपका कुछ प्रॉब्लम ही आ रहा है, मैंने आपके साथ एक मिनट कुछ इशू है ब्रजभूषण जी, और मैं वापस से आप पे आऊंगी। इन द मीन टाइम मेरे पास विनोद कुमार जी, विनोद कुमार जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। विनोद कुमार जी का नाम है, अतुल कुमार जी हैं क्या? अतुल कुमार वर्मा जी नहीं, विनोद कुमार जी, सॉरी विनोद कुमार जी मैंने आपको अनम्यूट करा है, प्लीज आप अपना सवाल पूछिए। विनोद कुमार जी मैंने आपको अनम्यूट करा, प्लीज आपका सवाल पूछिए। मैडम 500 यूनिट में कितने सीआरयू मिलेंगे? 500 यूनिट में सर बहुत सिंपल है, आप 500 यूनिट में सीआरयू चेक करने के लिए ईआईपीएस पे जाइए, और जब
क्लिक करेंगे उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे सेक्शन पे सीआरयू सीआरयू वीआईपी आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे और जी एक पेज खुल जाएगा जिसमें आप डालेंगे कि आपको कितना सीआरयू चाहिए। जितना सीआरयू आप डालेंगे, जितना यूनिट्स डालेंगे उसके अगेंस्ट में कितना सीआरयू मिलता है वो आप देख पाएंगे। जी मैम थैंक यू। आप जाके देखेंगे। आपका एक्सप्रेस क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई सवाल है सर? जी नहीं। मेरे पास जितने भी लोग हैं यहाँ पे प्लीज आज एक्सपर्ट क्वालिफिकेशन से रिलेटेड सवाल पूछे, क्योंकि मेरा हमारा जो कल हमने डिस्कशन करा था उससे रिलेटेड जो क्लैरिटी चाहिए। मैं फिर से बोलूंगी, एक तो वीवो Y51G प्लीज आप अपना रीनेम करके आइए, तभी मैं आपने अपना हैंड रेस करा हुआ है। और कोई एक और है जिनका 1EXDTP जो भी है उनको प्लीज अपने आप को रीनेम करके आइए, प्रॉपर नेम से आइए, तभी मैं आपका सवाल लूंगी। और ब्रजभूषण जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, फिर से कोशिश कर रही हूँ। आपके एंड से कुछ प्रॉब्लम है ब्रजभूषण जी, कुछ इशू है, प्लीज आप अपने एंड से आप अपना सवाल चैट पे लिखिए। चैट पे मैं वापस से चैट पढ़ रही हूँ, कुछ लोगों का कुछ क्वेश्चन आया है। पुराने लोगों के लिए 25 दिन का समय एक्सेस बोनस का एजेंट बनने के लिए। राम खिलाड़ी जी मैंने आपको ऑलरेडी जैसे कि बताया कि पुराने सबका टाइम जो है वो 30 मार्च से चालू हो रहा है, जितने भी पुराने लोग हैं। जैसे कि मैंने अभी डॉक्टर रविशंकर जी ने सवाल पूछा था उस पर मैंने जवाब दिया था, उसका जवाब वही है। लाजपत हसन 200 सीआरयू में कितना सीआरयू आएंगे, आज कितना ऑफर चल रहा है? लाजपत अस्थाना जी एक बार आप धन सिंह जी से कॉन्टैक्ट करिएगा, वो आपको बताएंगे 200 में कितना आ रहा है, वो आपको बताएंगे उसको कैसे देखते हैं। और दूसरी बात कि आज की डेट में अगर आप आज की डेट में अगर आप कोई भी पैकेज परचेज करेंगे तो आपको 50% एक्स्ट्रा सीआरयू यूनिट्स मिलेंगे। चलिए एक काम करते हैं, मैं आप लोगों के लिए एक आपको हेल्प करती हूँ, एक सेकंड आप वेट करिएगा। जिन लोगों का ये सवाल है मैं उन लोगों को, क्योंकि मैं समझ रही हूँ कि काफ़ी लोगों का सवाल है और आज का डेट भी इम्पोर्टेंट है और आप काफ़ी लोग जो है वो सोच रहे हैं प्लान करने के लिए, चूँकि 50% का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि आप कैसे देख सकते हैं। एक सेकंड, देखिए वेरी सिंपल देखिए मैं अभी आप लोगों से ना एक पिक शेयर कर रही हूँ, इसमें मैं डाल रही हूँ, एक सेकंड आप वेट करिए। आप लोग के चैट बॉक्स पे जाइए, फाइल एक मैं अटैच कर रही हूँ यहाँ पे। देखिए मैंने अभी ना एक फाइल अटैच करी है चैट बॉक्स पे, देखिए मैंने एक फाइल अटैच करी है, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। इस फाइल में जो एग्जैक्टली आप लोगों को आइडिया, जितने भी नए लोग हैं ना उन लोगों को आइडिया लग जाएगा कि किसमें कितना आपको सीआरयू आ रहा है। और ये मैं एक बार कोशिश करती हूँ कि आप लोगों से शेयर भी करूँ कि जो मैंने आप लोगों को अभी फाइल भेजी है वो क्या है।
वो ये है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को सबको ब्लर्ड सा दिख रहा है. फिलहाल आप लोगों को जब अपने मोबाइल पे देखेंगे तो थोड़ी प्रॉपर इमेज आएगी. मैं इन द मीन टाइम मैं आपको शेयर करती हूँ कि आप जितने भी नए लोग हैं ना, मैं आपको ये दिखाती हूँ कि आप एग्जैक्टली देख कैसे सकते हैं. देखिए मेरी स्क्रीन दिख रही है, मेरी स्क्रीन दिख रही है, तो प्लीज कोई भी प्लस वन टाइप करेंगे, कोई भी एक प्लस वन टाइप करिए, प्लस वन टाइप करिए. क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है? ओके थैंक यू. ठीक है ओके. बस यहाँ पे आपने क्या करना है, आप अपनी आईडी पे जाके EIPS CRU वाले डैशबोर्ड पे EIPS सेक्शन पे जाएंगे. यहाँ पे CRU EIP लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करना है. ये क्लिक करने के बाद, ये क्लिक करने के बाद मैं आपको थोड़ा सा और इसको मैं जूम कर देती हूँ, आई होप और क्लैरिटी आ जाएगी. ठीक है, यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे. जितने भी नए लोग, जो लोग पूछ रहे थे कि कितना मिलने का, वो लोग ध्यान दीजिए, आप गए EIPS पे और आपके लेफ्ट हैंड साइड ब्लू पैनल पे गए CRU EIP पे. यहाँ पे आपने क्लिक करा, यहाँ पे जिसने पूछा था 200 यहाँ पे लिखेंगे. देखिए यहाँ पे जैसे लिखेंगे आपको पता लग जाएगा कितना CRU पॉइंट्स मिल रहा है. ठीक है, आप लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे आपने लिखा 500 में आपको यहाँ पे कितना मिल रहा है, 6500. इस तरीके से आपको जो भी आपको रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड फिगर है वो आप यहाँ पे डालेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना CRU मिल रहा है. सो आई होप जो है ये चीज आपको क्लियर हुई होगी. ओके दीपचंद जी, मैम ऑफर CRU कब शो करेगा अकाउंट में? 15 से 20 अप्रैल के बीच में शो करेगा दीपचंद जी. विक्रम तिवारी जी, मैडम अभी एक CRU का वैल्यू क्या है और आने वाले 6 से 12 माह में क्या रहेगा, इसकी क्या गारंटी है, क्या है? इसके लिए अतुल जी का एक पीछे सेशन हुआ था CRU इंटरनल एक्सचेंज पर, जिसमें उन्होंने डिस्कशन करा था. और आने वाले वक्त, आने वाले जो सेशंस में ये स्पेसिफिक टॉपिक रहेगा जिसपे हम लोग डिस्कशन करेंगे. स्क्रीन शो नहीं कर रहा है, अगर स्क्रीन शो नहीं कर रहा है तो प्लीज मेरे को, मैं वापस से इसको स्टॉप शेयर करती हूँ और फिर से स्क्रीन शेयर करती हूँ. एक सेकेंड, अभी आई होप कि अभी जो है वो दिख रहा होगा. ओके थैंक यू. सो मैं वापस से सवाल ऊपर लेती हूँ, किसी को कुछ सवाल, क्योंकि जितने ज्यादा, देखिए जब तक आप लोग क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेंगे, जब तक क्वेश्चंस नहीं करेंगे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड करेंगे. देखिए मेरे से इस वक्त, मैंने फिर से बोला है विक्रम तिवारी जी भी, आप मेरे को जो भी सवाल पूछिए अभी सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछिए, क्योंकि फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाता. हम लोग ने कल एक्सप्रेस क्वालिफिकेशन करा था, क्या एक्सप्रेस क्वालिफिकेशन आपको पूरी तरीके से आ गया? आपको लगता है उससे रिलेटेड सोचिए कि क्या कोई सवाल तो नहीं है, कि कोई ऐसी सिचुएशन है कि ये इसमें क्या होगा और मुझे ये नहीं आता है. वो चीज को इधर यहाँ पे क्लियर करिए और सवाल सबको लिखिए, एवरी टू एवरीवन, सो दैट सभी को, सभी लोग उसको पढ़ के रिलेट कर सकें. वीवो 1807 जी ने अपना नाम दिया है गोपाल, और आपने लिखा है EIP परचेज 250 यूनिट, एक्सचेंज परचेज यूनिट में डिफरेंस. सर जब आप EIP पैकेज लेते हैं तो बट ऑब्वियस उसमें आपको 250 यूनिट्स में जो है, जैसे कि मैंने आपको बोला था 250 यूनिट्स में आप देखेंगे कि मेरे को कितना नंबर ऑफ CRUs कंपैरेटिवली ज्यादा आएंगे जो आप एक्सचेंज से लेंगे, उसमें वो करंट एक्सचेंज का जो प्राइस चल रहा होगा. जैसे कि जब हमारा स्टार्ट हुआ था वो 10 सेंट से चालू हुआ था, फिर वो 12 सेंट्स हुआ, फिर 13 हुआ, अभी करंटली 14 सेंट्स चल रहा है. तो जब आप एक्सचेंज वाले लेंगे तो आपको मिनिमम 14 सेंट्स के हिसाब से मिलेगा, जबकि आप EIP अगर आप उससे लेंगे, क्या नाम है, आप अपने नॉर्मल पैकेज से लेंगे तो उसको नंबर ऑफ CRUs ज्यादा मिलेंगे, नंबर वन. नंबर टू डिफरेंस ये है कि जो एक्सचेंज वाले CRUs लेंगे वो भले ही आपको थोड़े से एक्सपेंसिव मिल रहे हैं, लेकिन जो एक्सचेंज वाले CRUs हैं वो आप उनको आप क्या कर सकते हैं, उनको आप एक्सचेंज वाले CRUs को आप कभी भी चाहें तो आप, क्योंकि वो अनब्लॉक्ड है, तो आप उसको कभी भी आने वाले वक्त में, अगर कभी भी आप उसको वापस से यूनिट के बदले में एक्सचेंज करना चाहे तो आप कर सकते हैं. लेकिन जो आपके पास पैकेज वाले जो CRUs हैं, हालांकि उनकी क्वांटिटी ज्यादा है, लेकिन वो अनब्लॉक होने चालू होंगे 350 डेज के बाद वो अनब्लॉक होने चालू होंगे, लेकिन
चाहे आप एक्सचेंज वाले लो या फिर आप पैकेज वाले लो, दोनों में ही आपको लॉयल्टी बोनस और बोनस ट्रॉफी का जो फैसिलिटीज है, जो फीचर है, जो बेनिफिट्स है, वो आपको इक्वल मिलेंगे. जस्ट सर, कुछ लोगों ने अब मुझे वापस से हैंड रेस करा है, तो मैं जनार्दन प्रसाद जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, सो आप प्लीज आपका सवाल, जस्ट सर आपका सवाल पूछिए जनार्दन जी. नमस्ते मैम. हाँ जी नमस्ते. मेरा एक सवाल है कि मैं एक लोगों को मैंने पार्टनर बना रखा है, तो उन्होंने 5 लोगों को पार्टनर बना रखा है, लेकिन वो ज्वाइनिंग जो है वो फरवरी की है, तो क्या ये उनको अगर 200 फिर से बताइए, फिर से पूछिए एक फिर से, आपने फिर से सवाल पूछिए. हाँ, और मैंने एक पार्टनर बना रखा है. कब बनाया? फरवरी महीने में. फरवरी महीने, ठीक है. उन्होंने 5 लोगों को पार्टनर बना रखा है, तो क्या उनका और 5 लोगों का अगर 200 करा दिया जाए तो 350 जो ये यूनिट मिल रहे हैं ये उनको मिलेगा? देखिए आप सबका, क्योंकि आप लोगों ने 30 मार्च से पहले कराया है, तो आप सबका ड्यूरेशन जो है वो 30 मार्च से चालू होता है, तो 30 मार्च के बाद से जो पार्टनर है उन्होंने भी 200 कर लिया, और जो उनके नीचे 5 लोग है उन्होंने भी 200 कर लिया, तो वो क्वालिफाई करेंगे जी. लेकिन 24 जो 25 डेज काउंट कर लीजिए 30 मार्च से, उसके अंदर में ही ये कंडीशन होनी चाहिए. उसके बाद में करेंगे तो वो चीज आपको नहीं माना जाएगा, आपको मतलब जो एडिशनल बोनस है वो नहीं मिलेगा. क्लियर है जनार्दन जी? जी क्लियर. और कोई सवाल आपका? हाँ, एक क्वेश्चन और है. ईआईपी का जो भी हम ईआईपी पैकेज के माध्यम से सीआरओ लेते हैं, तो 35 डेज के बाद हर मंथ 1% ये क्या नाम है अनब्लॉक होना शुरू होता है, और ये कितना टाइम लेता है? 350 डेज के बाद आपका अनब्लॉक होना, 1% अनब्लॉक होगा, पहले 6 महीने तक 1%, उसके बाद फिर अगले 6 महीने तक 1.5%, एंड सो ऑन, जो कंपनी ने चार्ट दिया होगा. जी थैंक यू मैम. ठीक है, आपके सवाल का जवाब मिल गया जी मैम. चलिए, थैंक्स अ लॉट जनार्दन. ये एक सेकंड, मैं वापस से पार्टिसिपेंट्स पे जा रही हूँ. ये है साहिब कुमार जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ. साहिब कुमार जी, साहिब कुमार जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, प्लीज आपका सवाल पूछिए. हेलो. हाँ मैम. हेलो. हाँ जी, हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर, बताइए आपका सवाल. हाँ गुड आफ्टरनून मैम. सबसे पहले तो धन्यवाद आपको और अतुल सर को, बहुत ही मतलब आपका जो भी सेशन होता है, मैं भी कभी मुझसे 5-10 मिनट के लिए कभी हो सकता है कि मतलब मिस हो जाता है जी. बट मैं फिर कभी जाके रात में आपका YouTube पर सर्च करके पूरा वेबिनार वाला जो भी होता है जी. आपका सर का, हरविंदर सर का जो भी है सब शुरू से ही देख रहे हैं जी. बट मैम हमका एक क्वेश्चन है जी. मेरा जो भी यहाँ पे आया हुआ मतलब सीनियर हमको ले गया था बनारस, ठीक है मैम जी. बट अभी मेरे सबसे अच्छे अपलाइन में अच्छे सीनियर अभी जस्ट अभी हमसे पहले वो कॉल पे थे जनार्दन सर, ठीक है. मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बहुत सपोर्ट कर, भी जानकारी होता तो मैं उनको मतलब बहुत कॉल करते तो वो समझा देते. मैम हमका एक चीज पूछना है, मैंने जो पैकेज लिया है, ठीक है मैम, वो तो वन टाइम में TNG में गया था, फिर CRU में गया, और फिर एक मंथली पैकेज मैंने 3 मंथ कर लिया है, 4 मंथ कट गया, ठीक है मैम. तो क्या वो मंथली पैकेज ये काउंट होगा? अभी जो हम लोग का मास्टर प्रॉफी भी एक चल रहा है 260 यूनिट का, और हमको अभी जो ये 200 का जो अभी पैकेज लेना है, मेरा तो ज्वाइनिंग 5 दिसंबर का है जी. तो अभी मैं चाह रहा हूँ कि ये करेंट मैम जैसे कि मेरा जो मंथली इन्वेस्टमेंट है CRU में, क्या वो काउंट हो सकता है? अगर नहीं होगा तो मैं अभी मतलब फेस आप अगर EIP जो 30 तारीख के बाद आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, आप कोई आपने मास्टर ट्रॉफी लिया है, मास्टर मतलब मिनी मास्टर ट्रॉफी का कुछ आपने लिया है 30 मार्च के बाद, आप क्योंकि आपको कुछ भी पैकेज लेना है, आप कंपनी का प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, आप कोई भी हर केस में आप EIP ले रहे हैं, केवल एक्सचेंज को छोड़ के, क्योंकि एक्सचेंज वाले में आप कुछ परचेज नहीं कर रहे हैं, आप केवल अपने यूनिट्स के बदले में अनलॉक CRU ले रहे हैं, उसको छोड़ के, क्योंकि वो काउंटेबल नहीं है. तो उसके अलावा आप अगर आप कुछ भी बाय कर रहे हैं, तो आप कोई भी पैकेज, चाहे आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, चाहे आप मैराथन का पे कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी आप कर रहे हैं, तो आपका वो पर्सनल वॉल्यूम में काउंट होगा. हाँ मैम, सबसे बड़ा चीज तो ये कल मैंने मतलब एक्सप्रेस बोनस का जो देखा मैंने, ठीक है मैम,
अभी तो मतलब 225 डेज में कॉलेज जो आपने मतलब एक्सप्रेस का जो बताया मैम, मतलब वो तो बिलीवेबल है। मतलब अगर एक बंदा अगर सही से काम करे तो 2 करोड़ रुपया मैक्सिमम, 2 करोड़ प्लस, 2 CR प्लस। आपने एक बात का ध्यान दिया, जो कैलकुलेशंस थी उसमें आदमी की जेब से गया कितना था, मात्र 15,000 तो आज के इन्वेस्टमेंट किया है म्यूचुअल फंड शेयर में जो भी, मतलब मेरा 50 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट है जी। आज के डेट में मेरा वो मुश्किल से 20 लाख पे भी नहीं होगा, सब गिर गया जी, तो क्रैश हो गया। यहाँ पे मैंने जब से लिया, जितना ही शेयर लिया मैंने देखा 3 गुना हो चुका है, 4 गुना हो गया। अतुल सर का सुने कि जो बंदे ने 30 और 31 मार्च 2019 को जो बंदे ने $1,000 का इन्वेस्टमेंट किया, 4 लाख शेयर लिया, आज 1,000 यूनिट में 14,300, ह्यूज डिफरेंस। तो बंदे जो पहले आया, पहले कंपनी में रिस्क लिया, वो प्रॉफिट में रहेगा, ये तो दुनिया का रीत है, ये तो सब जानता है कि रिस्क खेलना। मैम हमको खाली यही जानना था कि अभी जो मैं न्यू पैकेज जो लूंगा मास्टर प्रॉफिट 260 का, क्या ये मेरा इसमें क्या शेयर भी मिल सकता है, या सिर्फ हम इसमें जैसे 200 यूनिट का जैसे परचेज करेंगे तो फिर हम अपने मतलब एजेंट पार्टनर से फिर स्टार्ट करेंगे, नीचे फिर हम अपना 5 पार्टनर को ज्वाइन करेंगे, एजेंट लेवल क्वालिफाई करेंगे, 350 CRE जो हमको गिफ्ट मिलेगा बोनस में, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप जैसे बढ़ेंगे उसके लिए 30 मार्च के बाद जो है, क्योंकि आईडी तो मेरा 5 दिसंबर का है 2019 का, बट अभी हम लोग आगे 20 में, तो अभी जो ये कंपनी जो ये लॉन्च किया है CRE का 30 मार्च 2020 के बाद से, क्या पुराना इम्प्लॉई जो भी इसमें मतलब CRU पैकेज ले रखा है वो काउंट नहीं होगा? करेंट में जो हम लोग CRU पैकेज लेंगे मतलब 260 मास्टर प्रॉफिट लेंगे, क्या वो इसमें सर काउंट होगा? मैम ठीक है, मैंने जो आपने जो सवाल पूछा, आपने आपका सवाल ये था कि आपने दिसंबर में ज्वाइन करा, तो पहला सवाल आपका ये था कि जो पुराना जो भी जिसने लिया है तो क्या वो काउंट होगा आने वाले वक्त में, और दूसरा सवाल आप ये था कि 30 मार्च के बाद अगर मैं आप मास्टर प्रॉफिट का पैकेज लेते हैं तो क्या वो पर्सनल इन्वेस्टमेंट में काउंट होगा? तो पहले वाला सवाल का जवाब ये है कि जो आप, क्योंकि आपने 25 दिसंबर को करा था, तो आपका जितना भी आपने अब तक 30 मार्च से पहले जितना भी आपका पर्सनल वॉल्यूम है, अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट पर्सनल वॉल्यूम है, वो नॉर्मल मार्केटिंग के हिसाब से अभी भी काउंटेबल है। लेकिन जो एक्सप्रेस क्वालिफिकेशन के लिए आपको 30 मार्च के लिए, जो मैंने कल पूरा प्लान प्रेजेंटेशन दिखा था, तो 30 मार्च के बाद से वो एक्सप्रेस क्वालिफिकेशन के लिए आपको पर्सनल वॉल्यूम करना पड़ेगा, जिसमें अगर आपने मास्टर मिनी मास्टर ट्रॉफी के लिए 260 का पैकेज लिया तो वो काउंटेबल है। क्लियर सर? वो काउंटेबल है क्या उसमें? उसमें क्या हम लोग को एक मिनट मैम, उसमें क्या शेयर भी मिलेगा सिर्फ, या काउंटेबल है? हां, मैं इसी पॉइंट पे आ रही थी कि आपने ये भी पूछा कि क्या मिनी मास्टर ट्रॉफी में क्या मुझे CRUs भी मिलेंगे, CRU यूनिट्स मिलेंगे? तो सर उसमें अभी कोई CRU यूनिट्स की कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको CRU यूनिट्स मिलेंगे, क्योंकि वो आप एक एजुकेशन, एक सर्टिफाइड एजुकेशन आपने दिया है, ठीक है? तो उसमें उस पैकेज में कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि उसमें आपको CRU यूनिट्स जो है भी मिलेंगे, ऐसा कुछ उसमें नहीं है। वो केवल एक आपका एक नेक्स्ट लेवल की एजुकेशन के लिए, कंपनी पे नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, अगर आप लगता है जैसे मैं हूँ, जैसे आज की डेट में मैं हूँ, अतुल जी हैं, ध्रुव जी हैं, एंड हैरी सर हैं, लीडर मेंबर्स बहुत सारे लोग हैं, तो वो आज की डेट में हम लोग जो नेक्स्ट लेवल पे जाने हैं, तो नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए कंपनी आपको कैसे जानेगी कि आप इस कंपनी के साथ जो है वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रखते हैं और कंपनी के साथ जाके काम करना चाहते हैं? तो उसके लिए कंपनी ने अपने सर्टिफाइड कोर्सेज रखे हुए हैं, तो आपको वो सर्टिफाइड कोर्सेज करने हैं, जिसका पहला चरण है मिनी मास्टर प्रॉफिट 260 यूनिट की। जब ये हमारा लॉकडाउन पीरियड सारा क्लियर आउट हो जाएगा, और वैसे हमारा एक्सपेक्टेड था, जो डेट्स थी पहले मार्च में थी, उसके बाद फिर मई में आई, लेकिन अभी वो भी वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी, आने वाले वक्त में डेट्स आएंगी, तो जब भी स्थिति सब सामान्य हो जाएगी तो हम मिनी मास्टर ट्रॉफी कंडक्ट होगी इंडिया में, तो उसमें आप आएंगे और उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन इस ये सर्टिफिकेट कोर्स है और इसमें आपको CRU यूनिट्स नहीं मिलेंगे। सो आपको CRU यूनिट्स चाहिए तो उसके लिए आपको CRU उसके पैकेजेस लेने पड़ेंगे, जो हमारे और जो पैकेजेस हैं नॉर्मल पैकेजेस।
साहिब जी आपकी ये जो कंफ्यूजन था क्लियर हो गया, आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया साहिब जी? साहिब कुमार जी, साहिब कुमार जी, साहिब कुमार जी, आप आपकी मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल इशू है इनको, तो आई होप मैंने इनके सवालों का जवाब दिया। मैं फिलहाल इनको म्यूट कर रही हूँ, म्यूट भी नहीं हो पा रहे हैं। सो अब मैं देखती हूँ किसी और का सवाल। विजय प्रताप जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। विजय प्रताप जी मैंने आपको अनम्यूट करा है, प्लीज आपका सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार मैम, मैं विजय प्रताप विश्वनाथ बोल रहा हूँ। मैम मेरा एक सवाल है कि जो एक्सप्रेस का एक्सप्रेस जो प्रमोशन में उसमें अगर मान ली एजेंट बनने का 25 डेज निश्चित किया हुआ है, तो अगर 25 डेज में अगर नहीं बनता आदमी तो फिर लैप्स हो जाएगा मैम, आगे नहीं कर सकता हूं। वो प्रोग्राम ही ऐसा है ना कि अगर आपने 25 डेज में नहीं करा तो फिर वो आपने उसके कंडीशंस को क्वालिफाई नहीं करा तो वो लेकिन उसमें आपको नॉर्मल मार्केटिंग प्लान के हिसाब से जो आपको इंसेंटिव मिल रहे हैं वो सब तो मिलेंगे। दो तरीके से आप देखिए, आप क्वालिफाई दो तरीके से कर सकते हैं। एक्सप्रेस क्वालिफिकेशन में बेनिफिट क्या है, किस चीज का बेनिफिट मिल रहा है? एक्सप्रेस क्वालिफिकेशन में हमें जो स्पेशल एडिशनल जो एड ऑन जो हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कौन से बेनिफिट्स मिल रहे हैं? एड ऑन बेनिफिट्स मैं दिखा रही हूं, सीआरयू मिल रहा है, एक्स्ट्रा सीआरयू, एक्स्ट्रा यूनिट मिल रहा है, जो 350 यूनिट, 800 यूनिट, एग्जैक्टली जो आपको एक्स्ट्रा यूनिट मिल रहा है। एड ऑन नहीं मिला ना मैम, ये वाला जो एक्स्ट्रा यूनिट्स मिल रहे हैं 350 यूनिट्स, 800, 1700, 4000, 8000, 15000, और इस ये तो यूनिट्स हर लेवल पे मिलेंगे ही आपको, और इसके साथ ही साथ जब आप हर लेवल को अचीव करेंगे तो आपको नीचे से कितने इंसेंटिव्स आ रहे होंगे, जिसकी कैलकुलेशन अगर आप कल वाले प्रोग्राम में थे तो शायद आई होप कि आपने देखा। हाँ, वो मैं किया, क्लियर हुआ सर। तो दूसरा मैम ये कि मैम टीएनजी का था, मैं 35,000 ले रखा है इक्विटी शेयर में, उसका कन्वर्जन नहीं हुआ, मैं वही क्या करें? टीएनजी से रिलेटेड मैं कोई भी सवाल यहाँ पे नहीं ले रही हूँ, मैं केवल अभी इस वक्त जो हमारा सब्जेक्ट है हमारा अभी नॉर्मल क्वेश्चन आंसर राउंड भी होगा जिसपे जनरल क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, उसमें जरूर पूछेगा। आज हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं। वैसे मैं कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं उसमें के जाना चाहता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, भी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है। आप अपने स्पॉन्सर को कांटेक्ट करिए या जो हमारा जनरल क्वेश्चन आंसर राउंड होगा उसमें आप पूछिएगा। ओके मैम, हां जी सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं मेरे पास है तिक्रम साहू जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूं। हां जी तिक्रम साहू जी, 7000 कमा दो। तिक्रम साहू जी मैंने आपको अनम्यूट कराया, आपका सवाल, तिक्रम साहू जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आपका सवाल पूछिए। तिक्रम साहू जी आप तो दीजिए। हां हां जी, हां जी, आपको कोई सवाल है? उनका कोई सवाल नहीं है, उनका आवाज भी नहीं आ रहा है। मैं अब मोहित कुमार जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। मोहित कुमार जी गुड आफ्टरनून, आपको सवाल पूछिए। हाँ जी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं? बहुत बढ़िया मैम, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल बढ़िया, बताइए सर। मेरा एक सवाल है, किसी की आईडी $100 से लगी हुई है, राइट? ठीक है। और वो पुराने प्लान के थ्रू अगर वो एजेंट बनना चाहे, ठीक है, तो उसको क्या करें? पुराने प्लान के हिसाब से एजेंट के लिए उसको भाई दो बंदे डालने हैं, 200-200 ईच। उसकी खुद की 100 की है तो उसे 100 ऐड करना पड़ेगा अपने में या प्लस 200 और ऐड करना पड़ेगा? प्लस 200 और करना पड़ेगा, देखिए वो तो कंडीशन है ना एजेंट के लिए। पर्सनल वॉल्यूम देखिए हमारा जो रैंक है दो कंडीशन से चलता है, एक पर्सनल वॉल्यूम प्लस दो नंबर ऑफ पर्सन, हमें रैंक होल्डर्स चाहिए, करंट कौन से चाहिए, हमें नीचे कौन से हमें दो चाहिए। तो पुराने वाले पुराने प्लान तो एजेंट वो तो कंटिन्यू चल ही रहा है, अगर बाई चांस किसी का एक्सप्रेस क्वालिफिकेशन के हिसाब से नहीं हो पाया पुराने प्लान की तरफ से क्वालिफाई हो ही रहा है, बोनस का जो बेनिफिट है उसका इंसेंटिव मिल रहा है, लेकिन अगर कोई प्रॉपर प्लानिंग के साथ इसी कट के समझ गया, नहीं नहीं मतलब उसे 100 अपने में पर्सनल में ऐड करने पड़ेंगे और 200-200 के दो फ्रेश आईडी लगानी पड़ेगी तब वो एजेंट बन पाएगा, राइट? लेकिन मोहित कुमार जी पुराने हैं, तो पुराने हैं तो वो जी उनके पास 25 24 मार्च
वो अपना 200 एड ऑन कर लेते हैं और साथ में अगर 5 पार्टनर्स ले आते हैं 200 जो उन्होंने 200 डाला उसी का बोनस आ रहा है वापस, तो उनका जो जो प्रिंसिपल डाला वो भी निकला है प्लस उनको और बहुत प्रॉफिटेबल है ये। ठीक है, मैंने बताया था बंधु तो बिल्कुल ठीक है मैम, थैंक यू। ओके थैंक यू। एक सेकंड, मेरे पास है अब जेके त्रिपाठी जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जेके त्रिपाठी जी गुड आफ्टरनून, प्लीज आपका सवाल पूछिए। गुड आफ्टरनून मैडम, अतुल सर को भी आपको भी सबको बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छा ये सिस्टम को के बारे में इतना एलैबोरेटली बता रहे, सबको सिखा रहे। मैं मैनेजर रैंक की हूँ मैडम उसमें, और बहुत जल्दी जैसे दिल्ली इवेंट से पहले मेरा मैनेजर रैंक क्वालिफाई हो गया था, बट तभी तक भी मैं अच्छे से समझा नहीं था इसको। करते करते हो गया, मैं कोई नेटवर्क कर नहीं हूँ। बाद में जब इसमें अभी अच्छे से इन्वॉल्व हूँ और सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे पास 500 के लगभग हो गए टीम। मेरा ये एक्सप्रेस क्वालिफिकेशन में एक था कि मेरे जो एक न्यू पार्टनर थे दो महीना पहले जनवरी 10 तारीख से हुए हैं, बट वो कंसल्टेंट हो चुके हैं। मैंने उनको हेल्प कराया, सबके कंसल्टेंट लास्ट मंथ में हुए, जिसमें कि ये 30 तारीख का जो तभी तो पता नहीं था, 4 तारीख को पता चला एक्सप्रेस क्वालिफिकेशन के बारे में। तो 30 तारीख के पहले उनको एक एजेंट हो गए थे, फिर उनको 4 एजेंट की जरूरत था, 3 एजेंट हमने बाद में कराया, इसमें 2 एजेंट डायरेक्ट हुए और 1 एजेंट इनडायरेक्ट में हुए। 30 तारीख के बाद कोई एजेंट हुए? 30 तारीख के बाद, 30 तारीख के बाद 3 एजेंट हुए, जिसमें 2 डायरेक्ट हुए और 1 इनडायरेक्ट। तो अभी वो कंसल्टेंट तो बन चुके हैं, बट और भी उनके डायरेक्ट लेग में हैं लोग, उनको अगर और 3 लोगों को एजेंट बना दिया जाएगा तो उनको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा जो कंसल्टेंट में। उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? देखिए नंबर 1, सबसे पहले तो चाहे, मैं फिर से क्लियर करना चाहती हूँ, चाहे आज की डेट में मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ, मैं आज की डेट में मेरा इस वक्त स्टेटस है वाइस प्रेसिडेंट का, लेकिन अगर मुझे आज की डेट में एक्सप्रेस क्वालिफिकेशन के वो बेनिफिट उठाने हैं तो मुझे वापस से एजेंट रैंक से शुरू करना पड़ेगा। तो एजेंट का मतलब, हाँ एजेंट का मतलब कि मुझे वापस से मेरे पास 5 पार्टनर्स होने चाहिए, मेरे को मेरे 30 तारीख के बाद मेरा कम से कम मिनिमम 200 यूनिट का पर्सनल वॉल्यूम होना चाहिए और फ्रंट में 5 पार्टनर्स चाहिए सबके और विद 200 ईच। तो मैंने एजेंट करा, फिर मैंने उनको स्पेसिफिक, मैंने 50 डेज के ड्यूरेशन में उनको मुझे कंसल्टेंट बनाना है, फिर नेक्स्ट 100 डेज के उसमें मुझे नेक्स्ट मैनेजर बनाना है एंड सो ऑन। ये एक्टिविटीज मुझे भी ऐसी करनी पड़ेगी, सिमिलरली उनको भी वही सेम चीज करनी पड़ेगी। लेकिन उनको ऐसा हो गया बीच में मैडम कि जैसे अभी वो कंसल्टेंट पहले नहीं बने थे, ये महीना में अभी 5-7 दिन पहले बने कंसल्टेंट, जबकि उनका एक ही एजेंट पहले हो गया था 30 तारीख से पहले, 30 तारीख के बाद 3 एजेंट हुए, 4 एजेंट में कंसल्टेंट बन गए, और उसमें अभी 2 एजेंट ही जो 30 तारीख के बाद डायरेक्ट लेग में है फर्स्ट लाइन में। उन्होंने देखिए सबसे पहले 2 चीजें देखी, उनका जो है उनका 30 तारीख के बाद उनका पर्सनल वॉल्यूम कितना है, कम से कम 200 होना चाहिए। 100 हुआ है ईआईपी मैराथन का, और 100 रहना पड़ेगा, और एक ईआईपी ले लेने से हो जाएगा मैराथन वाले। हाँ, क्योंकि सबसे पहले एजेंट पे क्वालिफाई करना है, एजेंट रहे भले ही वो कंसल्टेंट हो गए लेकिन उनको एजेंट से फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो उनको क्या करना, इस महीने में 200 लेना है, 200 उनका पर्सनल वॉल्यूम आना चाहिए, प्लस जो उनके फ्रंट में जो है जिन्होंने 30 तारीख के बाद करा है फ्रंट में वो तो कंसिडरेबल है, बाकी बैलेंस पे और उनको करना है। जैसे सपोज करिए आपने बोला कि 2 या 3 उनके फ्रंट में है, न्यू पार्टनर्स बनाना है 5, इंक्लूडिंग 2-3 और बनाने हैं। हाँ, तो जो फ्रंट में ऑलरेडी 30 तारीख के बाद है वो तो काउंटेबल है, जो जितने बचे हैं वो उस पे और काम करना है। जैसे ही वो इतना काम करते हैं उनको जो बेनिफिट मिलेगा एडिशनल बोनस प्रॉफिट भी मिलेगा, तो जो उन्होंने एड ऑन 200 डाले हैं वो उनके पास कितना रिटर्न आ रहा है 200। तो क्योंकि 5 लोगों को क्या मतलब, उन्होंने 2 तो डाल ही दिए, बैलेंस भी जितना होगा थोड़ा बहुत 2 ऑलरेडी हो चुके हैं, 350 का तो टोटल बेनिफिट वो आ रहा है, प्लस एड ऑन जितने एड ऑन डालेंगे उनका 8% और। अच्छा, 2 में तो 2 एजेंट हो चुके हैं और 3 जो नया पार्टनर है उनको सिर्फ
पार्टनर के हिसाब से कर सकते हैं तो भी उनको आएगा। आपको क्या करना है ऐसे केसेस के लिए, हमें ऐसे दिमाग में रखना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा, और सभी को ही हम आने वाले वक्त में इस पे भी एक हम लोग सेशन करेंगे कि देखिए अब जब भी हम लोग एक्सप्रेस क्वालिफिकेशन के लिए काम कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या आपको लगता है कि हवा में काम हो जाएगा? नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके रखना पड़ेगा, टारगेट बनाना पड़ेगा कि ये आपकी फ्रेंड का नाम लिखा वो है, उनके नीचे में पांच कितने लोग हैं, कितने कितने पे टिक मारा, कितने का कितना कितना पर्सनल वॉल्यूम हो गया, और अब हमें कितने अचीव करने हैं। तो आपका टारगेट आपको पता होगा कि आपको कौन से टारगेट एरिया में काम करना है। अभी हम क्या काम कर रहे हैं, हम हवा में जहाँ पे जैसा समझ में आ रहा है वैसा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के और उसमें एक चार्ट पेपर रख के अपनी आंखों के सामने वो लगा के रखें कि आप आपको कौन कौन सा टारगेट एरिया जो जो होता जाए उसको क्रॉस गोला करके टिक करते जाइए, तो आपको पता रहेगा कि आपको कौन से लोकेशन में काम करना है। मैं अगर मैं अपना एग्जांपल बताऊं कि जब मैंने 2018 में जब हम लोग ने सब कुछ चालू करा था, मात्र एक महीने के अंदर मैंने और अतुल जी ने मेहनत करा था, और अतुल जी ने काफी अच्छे से चीजों को समझा और कंसल्टेंट रैंक को अचीव करा, और उसके बाद जब हमने सिस्टम को समझा, सिस्टम को समझने के बाद लास्ट ईयर भी कुछ एक्सपर्ट क्वालिफिकेशन का कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन आया था अपना अक्टूबर 20 से पहले जो इंडिया में हुआ था, तो उस चीज को अचीव करने के लिए ऐसे ही अचीव नहीं करा, उसके लिए हमने जो आज की डेट में हमने जो इतनी रैंक जो अचीव करी है, मैंने जो सेकेंड हाईएस्ट जो रैंक मैंने अचीव करी है वो लास्ट अक्टूबर से पहले करी है मैंने, और उसको अचीव करने के लिए हम लोगों ने मैंने पूरे स्ट्रक्चर्स बनाए अपने, कितने कौन कौन से कितने लोग हैं मेरे साथ, कौन कौन से एरिया में कहाँ कहाँ पे काम हो रहा है, डीप डीप में जाके उनके स्ट्रक्चर्स बनाए, एक एक चीज पे स्ट्रक्चर पे जाके काम करा कि किनके साथ कहाँ काम कर रहा है, कौन कौन मेरा जो टीम मेंबर है कौन से उसमें लैक कर रहा है, कौन से एरिया में उसको बोलना है कि यहाँ पे काम करना है। फ्रेंड्स ऐसे ही काम करना पड़ेगा, जब तक हम लोग अपने स्ट्रक्चर्स नहीं बनाएंगे पेपर पे तो हमें पता ही नहीं रहेगा कि हमें कौन से डायरेक्शन में काम करना है। गूगल मैप आजकल गूगल मैप यूज करते हैं ना, गूगल मैप क्या होता है टारगेट एरिया में जाते हैं ना कि हमें दिशा दिखाता है, तो हमें भी अपना गूगल मैप बनाना पड़ेगा कि हमें अगर ये अगर मुझे इस अक्टूबर तक अगर हमें प्रेसिडेंट का रैंक लेना है, वाइस प्रेसिडेंट का रैंक, लीडर मैनेजर लेना, जो भी लेना है वो लिखना है, और उसका आपको अपना मैप खुद का बनाना है, जो जो रास्ता अचीव होता जाए उसको टिक करते जाइए, जो जो अचीव करना है उस पर फोकस करिए, यही एक तरीका काम करने का सही तरीका है। ऐसी ही डायरेक्शन हमें ऑन्ड्रे सर से आई है, और कहते हैं ना ब्लाइंडली यू नो ट्रस्ट योर अपलाइन, तो हम ऑन्ड्रे सर को तो जो है वो बहुत ही ज्यादा फॉलो करते हैं, और जो बोलते हैं हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको फॉलो करें, और हमने इस चीज को वाकई में फॉलो करा, और आज की डेट में हम इस पोजीशन पे हैं कि जो कन्फ्यूजन थी जिसको मैं फ्रॉड मानती थी आज की डेट में उसको मैं दुनिया में लोगों को ओपनली डिस्कस कर रही हूँ, आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मेरा जो दिमाग था वो पहले इस कंपनी के लिए कुछ और था, टोटली ऑपोजिट था, और आज इतना बदल चुका है कि आज मैं दुनिया को से सबसे बात कर रही हूँ, सबको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि नहीं ये क्या है, इसके मिशन एंड विजन पे बात कर रही हूँ, और इसके लिए ही काम कर रही हूँ 24/7 मैं और अतुल जी जो हैं इस सीआरबी के मिशन एंड विजन पे काम कर रही हूँ, कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ हमने समझी है वो हम आप लोगों से भी शेयर कर पाए, जिन लोगों को कन्फ्यूजन है, जिनको हेल्प नहीं मिल रही है, जिनके स्पॉन्सर्स हैं। हाँ मैडम, वो तो बहुत बढ़िया चीज है। आप जेके त्रिपाठी जी शायद आप उड़ीसा से हैं, और आप शायद अतुल जी से मिले होंगे उड़ीसा में। मिले हुए थे। और एक चीज है मैडम, ये तो एक्सप्रेस क्वालिफिकेशन जैसे था लास्ट ईयर, लास्ट टाइम क्वालिफिकेशन था, ये एक्सप्रेस बोनस की चल रही है ना अभी, ओनली डॉलर या जो मिलेगा पूरा टर्म है एक्सप्रेस क्वालिफिकेशन बोनस प्लान, जैसे कि अभी कंसल्टेंट या कोई मैनेजर है, मैं अभी मैनेजर हूँ, मैं भी करूंगा तो 0 से 5 पार्टनर न्यू पार्टनर ज्वाइन कराने के बाद से ही मेरा वो चलेगा, सिर्फ बोनस ही इसका आने वाला है जो बोनस। देखिए मैं आप लोगों से बात कहूंगी, मैं कोशिश करूंगी कि अगर वो प्लान जो है मैं अगर आपसे शेयर कर दूं पीपीटी, मैं अभी एक लिंक जो है मैं देखती हूँ अगर वो अपलोड हो जाए तो मैं वो आप लोगों से शेयर करूंगी। क्या करना है आप लोगों को, जो पीपीटी जो है ना एक्सप्रेस क्वालिफिकेशन की, एक बार फिर से रीड करिए जाके। देखिये रीड करना बहुत जरूरी है, और रीड केवल इतना नहीं कर लिया कि केवल इतना पढ़ लिया, पूरा रीड करना है, ऊपर नीचे वाला भी पॉइंट लिखा वो भी क्लियर होना चाहिए। हम लोग तो बीच में है, जैसे अभी पहले से मैनेजर है या कंसल्टेंट है
अभी फिर से उसको लेके चलना है तो उसी हिसाब से एक्सप्रेस क्वालिफिकेशन बेनिफिट लेने के लिए सबको फिर से शुरू करना पड़ेगा अगर एक्सप्रेस क्वालिफिकेशन का बेनिफिट लेना है तो कोई भी अगर आज की डेट में प्रेसिडेंट लेवल पे भी है तो भी करना पड़ेगा ओके मैम थैंक यू मैम थैंक यू वेरी मच लॉन्ग लिव न्यू So, जेके त्रिपाठी जी जैसा कि आप तो अतुल जी से मिले थे क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा डोला मनी जी ने ओडिशा में बहुत बढ़िया था वो वेंटी करा था बहुत बढ़िया था टाइम ही खत्म नहीं हो रहे थे मैंने टाइम कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला मीटिंग चल रहा था फिर शाम हो गया और खत्म हो गया लग रहा था आधा ही हुआ और भी आधा बचा हुआ है नॉलेज आपने काफी नॉलेज बहुत अच्छी मैंने आप बोल रहे थे ये सब भी नेटवर्किंग और ये सभी चीजों में तो डायरेक्ट मार्केटिंग ये सब में हम लोग बिलीव नहीं करते थे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी ऐसे आए हैं हमने कभी उसमें ध्यान नहीं दिया बट इसको भी मैंने 2-3 महीना ऐसे लॉस किया जिसने मुझे अपलाइन में दुर्गा जी हैं एक को ऐसे मिले अपॉर्चुनिटी शेयर किया था बट मैंने इग्नोर किया 2-3 महीना फिर बाद में 1-2 दिन किया थोड़ा फिर मैं चालू कर दिया तब से मैं बस इसमें हूँ और ये लाइफ का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो हमने पाया है और मैं शेयर भी कर रहा हूँ लोगों को बढ़ा रहा हूँ हेल्प कर रहा हूँ अंदर सर तो एक्चुअली पीपल ऑफ द मिलेनियम माने फैक्ट है वो रियल है पीपल ऑफ द मिलेनियम जो बोलते हैं अंदर सर एक्चुअल रियल में है पहले पता नहीं चलता था कि कौन क्या है अभी पता चल रहा है सब वेबिनार ट्रेनिंग सब लेने के बाद आपने क्या जो एक सेकंड डे जो ट्रेनिंग हुई थी एक स्पेशल ट्रेनिंग थी ना सेकंड डे भी यस यस हां हां उस दिन भी गए हां जी 2500 ब्लॉकचेन का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का था हां जी हां जी उसी दिन अच्छा हुआ और डिटेल में हम लोग सब जानकारी मिली आपको यस जी चलिए तो बहुत अच्छा लगा देखिए कितनी बहुत अच्छा एग्जांपल है जेके त्रिपाठी जी का सभी के लिए यहां पे कि पहले ये बिल्कुल ही इन्होंने भाव नहीं दिया नॉर्मली ऐसा ही होता है मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था और जब जब इनको नॉलेज ली जब उसको समझे जब तक आप किसी चीज की नॉलेज लेंगे नहीं तब तक जरूरी थोड़ी ना आप ज्वाइन करिए आप पहले समझिए तो सही उसकी नॉलेज अभी तो ये लाइव एग्जांपल चल रहा है दुनिया में जैसे एक महीना से 1.5 महीना से हम लोग परेशान है सब लोग पर यहाँ पे हम घर बैठे सिखा रहे हैं बिजनेस बढ़ रहा है पैसे भी आ रहे हैं और क्या चाहिए फिर तो वही मैं बोल रही हूँ ना मैं अपना अगर मैं खुद का एग्जाम्पल लू तो मैं ही लॉकडाउन पीरियड में मैं तो बोल रही हूँ कि मेरे लिए तो लॉकडाउन सिचुएशन है ही नहीं क्योंकि मैं तो लॉकडाउन की सिचुएशन में और ज्यादा बिजी हो गई हूँ मैं इतने वेबिनार्स सबसे मिल पा रही हूँ मैं तो सबसे yes, yes, वही है अभी आप लोगों से बात कर रही थोड़ी देर में एक और सेशन है जैसा कि मैंने बोला मैं हिंदी की मैराथन MLCI की इंडिया की कोऑर्डिनेटर भी अभी शाम को 5 बजे वो भी एक मेंटर्स कॉल है वो करनी है फिर रात को एक कॉल है फिर एक इंटरनेशनल कॉल है उसमें भी रहता है तो इतना मजा आ रहा है इतने हमें तो लग ही नहीं रहा है कि हम एकदम फ्री है हमें तो लग रहा है कि हम बिजी लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने आप को कितना बिजी रखना चाहते हैं मैराथन का भी एक इशू था मैराथन का हमने ज्वाइन तो कर लिया क्लासेस भी कर रहे बट होमवर्क और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म वो कर ही नहीं पाए कभी लॉकडाउन में प्रिंट आउट नहीं हो पा रहा है उसमें जरूर आइए और आपका सवाल पूछेगा मैं आपको वहाँ पे सॉल्यूशन दूंगी उसका ओके सो अब मेरे पास कौन बचे हैं मेरे पास एक मिस्टर डेविड जी बचे हैं मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ और मेरे ख्याल से डेविड जी मैं आपको अनम्यूट अपने आप को खुद ही करना पड़ेगा मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है डेविड जी आपको अपना अपने आप को खुद ही अनम्यूट करना पड़ेगा मैं एक बार चैट में आप लोगों के सवाल और पढ़ देती हूँ चैट में सवाल पढ़ने से पहले क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि काफी चीजें हैं जो कवर अप हो गई हैं आप लोगों के लिए एक चीज क्योंकि हम लोग इसको प्लान कर रहे हैं कि अब हम इसको कैसे और अच्छा करें और हम लोग कुछ और नए टॉपिक्स भी लेके आ रहे हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग आने वाले वक्त में बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे ब्लॉकचेन के बारे में जो लोग बिल्कुल नहीं जानते ऐसे टॉपिक्स लेकर आ रहे हैं और कुछ हम लोग कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि कुछ हम इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज भी लेकर आए तो हर सेशन में तो ऐसी भी हमारी बातचीत चल रही है हम लोग कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं
तो वहां से वो लोग क्या सोचते हैं और उनके पास क्या नॉलेज है वो आपसे शेयर करेंगे, तो आई फील कि और काफी अच्छा आप लोगों को भी मोटिवेशन आएगा और अच्छा लगेगा उन लोगों को सुन के और समझ के। और अगर वो इंग्लिश में बोलेंगे तो उसकी हिंदी में ट्रांसलेशन मैं या अतुल जी आपको करके देंगे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक स्पेशल न्यूज थी जो हम कोशिश कर रहे हैं चीजों को थोड़ा सा डिफरेंट करने की। और कल से शायद कल जो है कल हमारी एक लंदन से एक सेलिब्रिटी है, बहुत ही जल्द उनका नाम आ जाएगा, हम उनको कोशिश कर रहे हैं कि उनको हम कल सेशन में लेकर आए। ओके, ये सवाल दे दिया, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। ये आपको ऑलरेडी अतुल जी ने लिंक दिया हुआ है, प्लीज उसको करिए सेंड मी द पर्टिकुलर फाइल ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। ओके, भावना जी एपीआई का स्क्रीन नहीं शो हो रहा है, एपीआई का स्क्रीन। सत्या जी आपका एपीआई से स्क्रीन से रिलेटेड कोई सवाल है क्या? मैंने अभी शेयर नहीं कर रखा चूंकि उससे सच बस केवल वो मैंने कैसे नंबर ऑफ कितने यूनिट्स में कितने सीआरयू आते हैं केवल उसी के लिए मैंने ओपन करा था। मैम एक वेबिनार करिए सीआरयू मिशन में कंप्लीट के लिए करिए संजय। हाँ जी बिल्कुल, इसके लिए एक कंप्लीट हम कोशिश करेंगे सीआरयू मिशन विजन पे, चूंकि ये हमारा वीकली टॉपिक रहेगा, हर वीक हम लोग सीआरयू एंड मिशन एंड विजन पे एक हम लोग इसको जरूर करेंगे। और आप लोग कोशिश करिए कि आपके जितने भी आपके टीम के लोग हैं उन लोगों को इनवाइट करने की कोशिश करिए, अपने न्यू प्रोस्पेक्ट्स को इनवाइट करने की कोशिश करिए ताकि उन लोगों को नॉलेज मिल सके, उन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके, ताकि आप लोग और उनको भी पता चले और वो लोग प्लान कर सके कि ये क्या है और आगे आने के लिए आप लोगों को बिजनेस बढ़ाने में हेल्पफुल हो। ये मान के चलना है कि आज कंपनी को ज्वाइन किया है। अच्छा सही कहा योगेश जी आपने, हम न्यू स्टार्टिंग करनी तो 25 डेज टारगेट है यही मामला। हाँ जी हाँ जी योगेश कुमारी जी, जो अगर जो पुराने लोग हैं उनकी स्टार्टिंग जो है वो 30 मार्च से हो चुकी है, तो 24 मार्च के अंदर अंदर हमें अपना टारगेट अचीव करना है एजेंट पर। थैंक्स अ लॉट, बोनस बहुत कम आ रहा है, बोनस बहुत कम आ रहा है सर, ये चीज अपने हाथ में नहीं, ये तो कंपनी अभी स्टार्टिंग में है, जो सीआरयू को 1 ईयर ही हुआ है, तो अभी तो वेट एंड वॉच, अभी तो हम डेवलप कर रहे हैं, तो ये कोई बहुत वैसी वाली बात नहीं है। सो आई थिंक ऑलमोस्ट अभी के मैंने सवाल कवर अप कर लिए हैं। एंड जैसा कि मैंने बोला है कि आप लोगों को जितने भी लोग हैं, मैंने बोला है कि कल हम लोग एक स्पेशल सेलिब्रिटी के साथ आ रहे हैं, बहुत नए टॉपिक के साथ आ रहे हैं, और जिन्होंने भी बोला है सीआरयू मिशन एंड विजन, सीआरयू मिशन एंड विजन के साथ भी हम वापस से एक सेशन करेंगे जिसमें जो भी लोग हैं, जो लोग इसको समझना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, कुछ लोगों को प्रॉब्लम यह है कि खुद ने समझ अभी समझने में प्रॉब्लम है, और कुछ लोगों को प्रॉब्लम यह है कि आप लोगों को कैसे समझाएं, तो दोनों चीजें ही आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी। और मैं आप लोगों से बोलूंगी जब भी सेशंस ले, इम्पोर्टेंट सेशंस के लिए आप लोग कॉपी पेन लेके बैठें ताकि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप नोट डाउन कर लें, और चूंकि जब आप नोट डाउन करेंगे तो आपको भी ध्यान रहेगा कि हमें कैसे डिलीवर करना है आपने अपनी चीज़ों को आगे। सो आई थिंक ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, किसी ने अभी कुछ बोला है जी? जिस तरह नॉर्मल आपने लिंक से ज्वाइन होता है, इस तरह एक्सप्रेस में भी कोई नहीं? नहीं सर शिवशंकर जी, एक्सप्रेस क्वालिफिकेशन को कोई स्पेशल लिंक नहीं है, लिंक तो वही है, लिंक जो रेफरल लिंक है वो तो एक ही है, लेकिन जो टाइमिंग्स है वो इम्पोर्टेंट है कि आपने जिस डेट में रजिस्ट्रेशन कराया, पुराने लोगों के लिए 30 तारीख से जो है चालू है, जो आप अपने नए पार्टनर्स को ज्वाइन कराएंगे वो कौन सी डेट में ज्वाइन कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो टाइम ड्यूरेशन इम्पोर्टेंट है, उसके लिए कोई स्पेशल लिंक नहीं है। कल्याण मधुकर जी बोल रहे हैं जनरल क्वेश्चन, मैम 15% पार्टनर इंडिया के, लेकिन इंडिया का कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है। बातें देखिए कल्याण जी, ये बहुत ही वैसा ये इस चीज के लिए ऑलरेडी ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारी चीजें बात मतलब लिंक में है, लोगों ने बोला हुआ है। देखिए प्रोजेक्ट्स को फाइनलाइजेशन करना इतना आसान काम नहीं है, प्रोजेक्ट्स के लिए पूरी उनकी टीम होती है जो बात करेगी, इसको एनालाइज करेगी, उनको लग गया कि क्या वाकई में प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है, ऐसा तो नहीं कि इस प्रोजेक्ट में जाएंगे तो लॉस हो जाएगा जो कि हम सबका पैसा है उसमें लगा हुआ, तो उस चीज को किसी भी प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करने में और उसका पोटेंशियल देखने में कि इसमें प्रॉफिट लेवल कितना है वो हर चीज देखनी पड़ती है, तो वो देखने के बाद काफी प्रोजेक्ट्स पे बात ऑलरेडी चल रही है धीरे 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 धीरे। आपके पास भी कोई आज की डेट में कोई अच्छा प्रोजेक्ट है तो आप अपने आईडी पे जाएंगे, उस प्रोजेक्ट की डीपीआर प्रोजेक्ट
DPR means detailed project report बना के आप वहाँ पे submit कर सकते हैं, आपके पास नजर में कोई अच्छा project है आप company को suggest कर सकते हैं। ये जितने भी partners हैं यहाँ पे उन सबके पास ये right है कि कोई भी अच्छा project है, potential project है, आपको लगता है कि इससे company को बहुत profit आएगा तो आप suggest कर सकते हैं। DPR report बनवाइए, वहाँ पे attach करिए, company को भेज दीजिए। अगर company को समझ में आता है कि हाँ ये है, ये proper project है, तो वो आपको contact करेगी, क्योंकि आपकी आईडी से गया हुआ है तो उनके पास आपका ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी है, वो आपको कॉन्टैक्ट करेगी। सो आई होप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब प्लीज जाने से पहले मुझे आज की सेशन जो हुआ है उसमें मुझे 1 से लेकर 10 के बीच में रेटिंग दीजिए कि आज की डेट का सेशन आपको कैसा लगा। और थैंक्स अ लॉट। एंड कल इन द मीन टाइम सब लोग रेटिंग दे रहे हैं, सो इन द मीन टाइम जितने भी लोग हैं प्लीज अब ज्यादा से ज्यादा, चूंकि हमने टाइम शिफ्ट कर दिया है आप लोगों की रिक्वेस्ट जो पोलिंग कराई थी अतुल जी ने उसके हिसाब से, तो प्लीज कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में, केवल ये इन्फॉर्मेशन अपने तक ही मत रखिए, ये इन्फॉर्मेशन अपनी टीम्स में भी जाइए। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी अपने टीम्स में, उन लोगों को बोलिए कि जूम, जिन लोगों को नहीं आता है उनको बोलिए कि जूम कैसे डाउनलोड करते हैं, जूम पे कैसे लिंक देखते हैं, उनको सिखाइए और ये ज्ञान उन तक पहुँचाइए। घर बैठे बैठे आप लोग अपना बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, बिजनेस मीटिंग्स ले सकते हैं। आपको अगर अभी चीजों को डिलीवर करना नहीं आ रहा है तो ऐसी मीटिंग्स में आप लेकर आइए, आप लोगों की हेल्प के लिए मीटिंग्स करी जा रही हैं और आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि जब नॉलेज होगी, नॉलेज इज पावर, जब नॉलेज होगी लोगों के पास तो चीज़ें समझ में आएंगी, अब चीज़ें समझ में आएंगी तो लोग ऑटोमेटिकली अपनी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। सो आई थिंक थैंक्स अ लॉट सभी के लिए जिन्होंने रेटिंग्स 10 दी उनके लिए बहुत ही धन्यवाद, और जिन लोगों ने मुझे 10 से कम रेटिंग्स दी हैं उन लोगों के लिए थैंक यू। जहाँ पर भी मेरी कहीं पे कोई कमी है तो हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, नंबर 2, अतुल जी ने ऑलरेडी फेसबुक पे लिंक दिया हुआ है, आप लोगों को कोई भी टॉपिक्स चाहिए आप उसके कमेंट सेक्शन पर जाके अपने टॉपिक्स को लिख सकते हैं, आपको कोई क्वेरी भी है तो लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे जूम पे तो ये टेम्प्रेरी होता है, जितनी देर सेशन चलेगा उतनी देर ये कमेंट बॉक्स चलेगा, उसके बाद ये ऑफ हो जाता है। लेकिन अगर आप फेसबुक में जाके वहाँ पे अगर आप अपने कोई भी अपने कमेंट्स डालते हैं तो वो चीज़ हमें हमारे हम उसको पढ़ते हैं और हम उस पर एक्शन भी लेंगे। सो थैंक्स अ लॉट एवरीवन, आई होप आपने आज का सेशन आपने एंजॉय करा। सो इसी नोट के साथ सब लोग प्लीज़ सेफ रहिए और अपने हेल्थ पे खास ध्यान रखिए, एंड घर पे रहिए, कहीं भी मत जाइए, और घर से कहीं निकलिए तो मास्क लगा के निकलिए एंड स्टे सेफ, एंड ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए, अपने नॉलेज को एनहेंस करने का इससे अच्छा कोई भी मौका नहीं मिलेगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉलेज ले सकते हो उतनी अच्छे से नॉलेज लीजिए, उसको इम्प्लीमेंट करिए। इसी नोट के साथ थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।